गरीब शिक्षा मित्र, 2 साल पहले जब हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि समायोजित रद्द किया जाता है, उसके बाद सरकार ने हमें स्टे क्यों दिया? अगर यही उनका फैसला था तो क्यों स्टे दिया? हमें उसी दिन मर जाने देते। हमारे बच्चे जमीन पे आ गए, कहीं के नहीं रहे, हमारा सब नष्ट हो गया, हमारी उम्र निकल गई, हम किस जॉब में जाए अब इस टाइम? ये बताइए सरकार से, ये कहो जब मोदी ने ये कहा था कि हम शिक्षा मित्रों के साथ हैं, तो कल से कोई उनका आदेश क्यों नहीं आया हमारे लिए कि हम शिक्षा मित्र परेशान मत हो, हम तुम्हारे लिए ये करेंगे? और ये योगी जिसे हमने जिताया, इसे तो जूते पड़ने चाहिए। ये योगी, ये बहुत ही बदतमीज है योगी। हाँ नहीं, ये योगी मक्कार है, मक्कार है, ये मक्कार है, ये मुख्यमंत्री चुनने लायक नहीं है। इससे अच्छा होता कि हम अखिलेश को चुनाव दे दे। ऐसा नहीं होता, ऐसा ही होता है, होता ऐसे ही होता है, लेकिन ठीक है, इन्होंने शिक्षा मित्रों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया? आज के जिंदगी के 12 साल 13 साल नौकरी करने के बाद आप क्या हाथ हुआ? हम उन जज, उस जज को, वकील को क्या गोली से उड़ाने के लिए तैयार है? अगर हमारा कुछ नहीं होता तो हम उड़ाएंगे। शिक्षा मित्र जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो समझा नहीं, एक गुरु की हिम्मत, एक गुरु का आज पद का त्याग किया इन्होंने, ये सोचिए हमारी जिंदगी।